अब पहली बार पाडर जब आप मचेल यात्रा के लिए आते हैं तो आप यहाँ पर जिप लाइन का मजा भी ले सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत चनाब दरिया है और इसके ऊपर से जिप लाइन राइड आपको मिलेगी। एडवेंचर टूरिज्म को लेकर अब पाडर में भी जिप लाइन शुरू हो चुकी है। पर आदमी यहाँ पर 300 रुपये में ये जिप लाइन की आप राइड ले सकते हैं। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। मचेल यात्रा के आप पूरे दर्शन कर रहे थे, हमने आपको भवन से भी दर्शन करवाए। इस समय मैं ना गुलाबगढ़ में हूँ। गुलाबगढ़ बेस कैंप है जहाँ से यात्रा शुरू होती है। जब आप लोग यात्रा करने आए तो आप लोगों के लिए एक और यहाँ पर पॉइंट बन चुका है जो कि जिप लाइन का पॉइंट बना है। पहली बार पाडर में आप जिप लाइन का मज़ा ले सकते हैं फर्स्ट टाइम। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितनी खूबसूरत लोकेशन है जहाँ पर आप जिप लाइन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये पूरा इन्होंने यहाँ पर जिप लाइन का सिस्टम खड़ा किया है और यहाँ पर आप चनाब दरिया के ऊपर से ये जिप लाइन इंजॉय करते हुए जा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इनका जिप लाइन का प्रोजेक्ट है जो कि चनाब दरिया के ऊपर से फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर जिप लाइन का मज़ा ले सकते हैं। जो यहाँ पर जिन्होंने ये स्टार्ट किया है काम, उनका नाम आशीष है और इन्होंने जो लोन प्रधानमंत्री जी की तरफ से मिलता है उस लोन को लेकर ये काम स्टार्ट किया है, जो कि हम कई बार बात करते हैं स्किल इंडिया। यहाँ पर हमारे लोग जो काम कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है, उनकी वजह से जो है आज ये काम हो पा रहा है। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आशीष जी, जो ये आपने पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम यहाँ पर जिप लाइन, कितनी मदद हुई जो आपने लोन लिया प्रधानमंत्री जी का, सब्सिडी पे लोन था, और क्या कहेंगे आप? जय माता दी। आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमें बहुत सारा कोऑपरेशन मिला है। हमने ये स्कीम जो थी वो अवेल करी थी PMEGP के अंडर, जिसमें हमें 35% के आसपास जो है सब्सिडी मिली थी। DC सर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा है, उनके अथक प्रयासों से ही ये सारा चीज़ें यहाँ पे संभव हो पाई है। जिस प्रकार से यहाँ पे पाडर में अभी रिलीजियस टूरिज्म जो फ्लोरिश कर रहा है, हमारे दिल में भी ये सपना था कि हम यहाँ पे इस पाडर वैली को एडवेंचर टूरिज्म के रूप में भी आगे लेकर जाएं, एक एडवेंचर हब के रूप में भी आगे बढ़ाएं इसे। तो यही हमारा सपना है यहाँ पे। तो अभी लोग आ रहे हैं, और एक बार आप बता देंगे कितने पैसे एक बार की राइड के आप लेते हैं? जब से हमने ये सेकंड ऑफ अगस्त को यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था इस चीज़ का, यहाँ पे DC सर भी आए थे, उन्होंने यहाँ पे फॉर्मली इनॉग्रेट किया उसके साथ। उसके बाद सुनील जी भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे राइड करी थी, उसका एंजॉय किया था वहाँ पे। आपको बता दूँ, यहाँ पे जो राइड हमने रखी हुई है मात्र 300 रुपये है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई फैमिली आती है तो उसका भी पैकेज हमने रखा हुआ है। साथ में अगर 7-8 बंदों का ग्रुप आता है तो उसके लिए फर्दर हमने एक और पैकेज यहाँ पे उसको इंस्टॉल करा है। बहुत अच्छा है जी। हमारे साथ यहाँ पर हरी कृष्ण जी भी हैं, जो एक बड़े ही जाने माने लीडर हैं पाडर के। सर, ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और प्रधानमंत्री जी की मदद से हमारे युवा पीढ़ी इस तरह के काम शुरू कर रही है, आपके पाडर को कितने इससे जो है टूरिज़्म के लिहाज से कितना फ़ायदा होगा? नमस्कार आशीष जी, सबसे पहले मैं आपके इस पाडर सरजमीन पर स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप एक पाडर की आवाज़ हो। जब भी माता मचेल की यात्रा चलती है, आपका एक पूरा टूर यहाँ से गुलाबगढ़ से लेकर मचेल तक होता है, तमाम लोगों से मिलते हैं। आप जैसे संस्था वाले हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है या लोग हैं, लोगों को किस प्रकार से वहाँ सुविधा मिलती नहीं मिलती है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमेशा आप साल में एक चक्कर ज़रूर लगाते हैं, ये पाडर के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे रहा इस आशीष चौहान ने जो ये जिप लाइन खोली है, ये काफ़ी मेहनत लड़का है इसने। यहाँ जैसे रिवर राफ्टिंग भी 2 बार यहाँ खोली एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और उनसे मिलकर उन्होंने भी काफ़ी इसकी हेल्प की। बाद में इसने अपनी एक किश्ती खुद लाई अपने रेंट पे, तो ये काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। मैं चाहता हूँ माता रानी से कृपा करता हूँ, ये पहले बार ऐसे पाडर में हुआ है जिप लाइन का, पाडर के लोग नहीं जानते हैं, तो शुरू में लोगों ने अभी ये चीज़ देखी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपके मीडिया के द्वारा, क्योंकि आपका मीडिया एक ऐसा है कि जो कोई भी लोग आपको सुनने के लिए बेताब रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि माता रानी की कृपा से इनका भी काम बढ़े, क्योंकि इन्होंने काफ़ी पैसा इस पर खर्च किया है लोन वगैरह निकाल के। इसलिए मेरी पूरी यात्रियों से निवेदन है कि यहाँ इसने फैमिली
पैकेज भी रखा है, फैमिली आएगी तो कम किराए पे होगा। इसलिए मैं तमाम लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे आप माता रानी के दर्शन करते हैं, उसके बाद अपने परिवार को लेकर, ये बहुत सारी बहुत अच्छी एक स्कीम है, अपने परिवार को इस पर भी जिप लाइन पर आप घुमा सकते हैं। तो हम पूरा पूरा इसका आशीष जी का सहयोग कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा, डीसी साहब ने भी काफ़ी यहाँ प्रयास किया किसी तरीके से पाडर में एक टूरिस्ट प्लेस बन के, और ये चीज़ें होंगी तो लोगों का काफ़ी आना जाना रहेगा। तो माता रानी से कृपा है कि इनकी पूरी पूरी मदद की जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और मैं आप सभी को कहूँगा कि आप पाडर में आप आते हैं तो आप यात्रा तो करें, और उसके बाद यहाँ पर आकर एडवेंचर टूरिज़्म का भी मज़ा ले सकते हैं। जिप लाइन की यहाँ पर फैसिलिटी है, 300 रुपये पर पर्सन आप जिप लाइन का मज़ा ले सकते हैं। और अगर आपके परिवार के 4 लोग आ रहे हैं तो 300 रुपये के हिसाब से वो परिवार के 1200 रुपये बनता है, लेकिन इन्होंने जो पैकेज रखा है 1000 रुपये में उन चारों को जिप लाइन राइड करवाएंगे। इसी तरह से और भी इनके पास पैकेज हैं। आप किश्तवाड़ पाडर टूरिज़्म को बढ़ावा देने में मदद करें। ये जिप लाइन का प्रोजेक्ट पहली बार पाडर में लगाया है। आशीष जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, हमारे हरि कृष्ण जी को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ की युवा पीढ़ी के लिए हमेशा खड़े होते हैं और उनका सहयोग देते हैं। सभी को राम राम।